तो है गाइस, गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है 1:40 पे हो रही है। तकरीबन 1:45 का टाइम हो चुका है। अभी अभी हम आए हैं मैरिज से और डॉली वगैरह वहाँ पे कर रहे कपड़े चेंज वगैरह, बच्चे सोने की कर रहे तैयारी। 15-20 मिनट हो गए हैं हमें आए हुए और बारिश ने आतंक मचा दिया। इतनी बारिश कुछ कहने की हद नहीं है। और बाहर रोडों पर इतना जाम, आते हुए हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा लग चुका है। और बस मैं इस कमरे में बैठा हूँ, अब चाय चो कॉफ़ी बना रहा हूँ। मैंने कहा यार कॉफ़ी पी लेते हैं, आधा आधा तब कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद ब्लॉग जो बनाया ब्लॉग की करेंगे, एडिटिंग करेंगे। तो बारिश ने बहुत ज़्यादा, इतनी शुक्र है घर जैसे हम पहुँचे हैं रास्ते में, इतनी तेज़ बारिश आई है ना, कुछ कहने की हद नहीं है। और अभी इतनी तेज़ बारिश हुई है ना कुछ कहने की हद नहीं है। और बाहर जो मतलब आंधी तूफान, वो तो शुक्र है ओपन एरिया के अंदर था सारा, ओपन एरिया में भी था बाहर भी था। ओपन वाला एरिया तो सारा भीग चुका था, आपको पता है बड़े बड़े फार्म हाउस में कैसे होती हैं जो व्यवस्थाएं, पूरा वो था। शुक्र है अंदर सारी जगहें थी और रश इतना ज़्यादा था आते हुए, मतलब जगह जगह जाम लगा हुआ था। छतरपुर में तो कम से कम 15-20 मिनट तक हम फंसे रहे हैं। और गाइस बस करते हैं चेंज वगैरह, करता हूँ मैं भी चेंज चूंज करता हूँ और मिलता हूँ। पहली बारी जो शुरुआत 1:45 के आसपास ब्लॉग की किया मैंने, मैंने कहा चाय वाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ब्लॉग एडिट करते करते तकरीबन 3 बज जाएंगे और अब सुबह भी लेंगे आपसे। वर्कशॉप से आ रहा था, बस आते आते मैंने कहा गाजर का जूस पीते हैं। बढ़िया सा फ्रेश से निकाल देना, बढ़िया सा फ्रेश जूस निकाल देना, ठीक है। लगा रखिए, पुदीना है, टमाटर है, करेला है, करेले का जूस भी पीते हैं लोग, ज़्यादा पीते हैं करेले का, ये ताज़ा। सारी वेजिटेबल है सारी डाल दो भैया, जो है आपके पास वेजिटेबल है, खिचड़ी के लिए टमाटर है, अदरक है, लहसुन मत डाल देना कहीं, पुदीना वुदीना सब डाल दो। छोटू असर है पीछे, छोटू गन्ने साफ कर रहा है। क्या नाम है आपका? नौशाद। नौशाद भाई, नौशाद भाई कितने साल के हो? 15 साल का। काम सीखने आए हो दिल्ली में? कहाँ के हो आप? पापर गए हुआ था तू? मैं नानी घर गया। अच्छा, नानी घर गया था। मैं शाम को ना आया था ट्यूशन से, तो मैं सोच रहा था खेलू जेरी के साथ, रौनक के साथ तो था ही नहीं। हाँ, मैं गया होता ना रानी घर। अच्छा, अभी कित हाँ अच्छा। कितनी देर पहले आए तू? हो गया आधा घंटा। खाना खा लिया था? खा लिया। मैंने भी खा लिया, तू तो वहीं पर ही खा कर आया होगा। हाँ, वहीं भी खाया। मैंने तो वो क्या कहते हैं, ललते मम्मी ने कड़ी दी थी, मतलब मांगी थी, मम्मा ने सब्जी नहीं बनाई थी तो कड़ी दी थी। तू क्या हंस रहा है? हमने भी कुछ बनाया नहीं, इसलिए चले गए। हमने खाया था मतलब छोलों के साथ ना रोटी थी और एक कुलचा था, तो वो भी खा लिया। अच्छा, और अभी कल स्कूल जाएगा? कल स्कूल हाँ जाना ही है वैसे, मैं पता नहीं ना बारिश। मैं तो आज गया नहीं क्योंकि कल रात को फंक्शन पे गए थे, तो आने में लेट भी होगा और सुबह सुबह इतनी बारिश हो रही थी। मैं इसलिए नहीं गया, सुबह बारिश हो गई थी ना। हाँ, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो गाइस, बड़े टाइम से ना कम से कम मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज है, अभी दिखा नहीं रहा। बड़े टाइम से शक्कर कंदी रख रखे गाइस, मुझे उबालना पड़ा इन्होंने, ये ना भून के देना था हमको। मैंने सार्थक को कहा था, इंतजार करते करते थक गए, मैं कहा चीज खराब हो जाएगी, मैं इतना मेहनत करना पड़ेगा फिर फायदा ही नहीं है, चलो इससे अच्छा उबाल के। तो मैंने कहा सिंगड़ी के अंदर ना वो लगाएंगे, उसकी टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छा होता ना सिंगड़ी वाला, कोयला वाला। डॉली, आज फोटो मिली थी जो पुरानी वाली, बड़े टाइम के मोबाइल में मिली नहीं थी, काकू को ना वो पुराने वाले मोबाइल में फोटो दिख गई थी। अच्छा। सार्थक की थी, मेरी थी और काकू की फोटो थी। अच्छा, अच्छा। तो वही दिखाए थे गाइस के, दिखाने के लिए मैंने फोटो लगा दी है। अच्छा। थंबनेल के अंदर फोटो लगा दी है, कुछ पुरानी यादें, मतलब पहचानेगा कौन वो अपने आप। गाइस को तो खैर पता चल ही जाएगा, सार्थक का भी पता चल जाएगा, काकू को पता चल जाएगा। मेरी फोटो आपको कैसे दिख रही है, कौन सार्थक मेरे क्लोज लग रहे हैं या काकू क्लोज लग रहे हैं, तो अपने पता लग जाएगा आपको। बचपन के फोटो मेरे को दिखाओ, मैंने तो देखा नहीं। तो गाइस अभी तक मैंने इसको बताया भी नहीं। हाँ, मुझे पता नहीं, सच में मैं किचन में काम कर रही थी, अपने तीनों जने लगे तो बढ़ते आवाज आ रही थी, पर देखा नहीं था मैंने। यार मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना था, कमेंट्स के जवाब भी देने थे। तो गाइस ये आ गया, आज काकू आ गया, काकू फैमिली ब्लॉग में आज ब्लॉग डाला नहीं क्योंकि आज बहुत ज्यादा हेडेक थी। स्कॉट भी सार्थक चैनल में देख लेना, जो लंच किया वो लंच मैंने किया है तकरीबन 6 बजे के करीब, और कल रात को मतलब कल रात को हम आए थे। मैंने ब्लॉग तो कल स्टार्ट कर दिया था, रात को आते मैंने काकू फैमिली ब्लॉग का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, चाय पी थी उसके बीच दौरान, गैप में ब्लॉग बना नहीं। वो रीज़न ये था
फिस्कॉट भी सार्थक चैनल का ब्लॉग बनाना था, फिर आप कहोगे सारा सेम सेम भैया आप डालते हो, तो इसीलिए वहाँ पर स्कॉट भी सार्थक चैनल में पूरा वहाँ का मैरिज का दिखा दिया है। अब जो 4 तारीख की मैरिज होगी उसमें ये होगा कि यहाँ से जो जाते हुए हम जो दिखाएंगे ना वो किसी और चैनल में दिखाऊंगा, वहाँ का जो ब्लॉग होगा वो किसी और चैनल में, यानी कि 2 या 3 ब्लॉग बनेंगे उस दिन, पूरा दिन के अंदर 3 ब्लॉग बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। 3 ब्लॉग बनेंगे, पूरा मैरिज का अलग होगा और यहाँ से जाते हुए जर्नी की कार ट्रॉली तैयार हो रही क्या है सारी चीजें आपको ट्रॉली की जर्नी आप नहीं दिखाओगे सब, नहीं आप लोग भी तो तैयार हो गए, हम तो कुछ भी डाल नॉर्मल तो नहीं पहनोगे ना, कुछ भी ड्रेस तो पहनोगे सेम सेम, ये परेशान हो रहा है पापा के साथ सेम सेम करने के चक्कर में, कहीं मम्मी के साथ सेम सेम ना हो जाए। तो गाइस बस अब कल जाएंगे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, देखते क्या क्या लेना है, क्योंकि कल तो मैं भी जाऊंगा, आप उस दिन भी मेरे को नहीं लेकर गए थे, आज का दिन तो निकल गया। और जॉली ने जो ड्रेस डाली थी काफी लोगों को पसंद आया था, पूछ रहे थे कौन सी शॉप से ली थी और उसका ब्लॉग मैं बनाऊंगा कहाँ से ली थी और आपको पता लग जाएगा, और कितने की ली थी वो भी कमेंट आने, कितने की ली थी वो मैं टैग के साथ ही आपको शॉप कीपर भैया खुद ही बताएंगे वो ड्रेस कितने की थी, तो फिर आप देख लेना। तो अब मिलते हैं थोड़ा सा काम करके। हाँ जी क्या हुआ? कुछ नहीं, आलू को देख रहा था, सीटी बज रही थी। आलू की सीटी काहे बज रही है? वो आलू मम्मा ने उबालने को रखे हुए ना। क्यों? क्योंकि कल सुबह स्कूल में आलू का पराठा। तू तो सो गया था फिर उठ गया है? क्यों, क्या हुआ है? मैं देखने आया था, मम्मा ने आलू उबालने के लिए मम्मी ने आलू रख दिए उबालने के लिए। तो गाइस आलू का पराठे के लिए आलू उबल रहे हैं और टाइम देख लो रात का कितना हो गया है, 1:15 बज गया। वही आलू उबल रहे हैं जी, कुकर में सीटियां बज रही है। डॉली सीटी कितनी और आनी है? दो सीटियां और आनी है। अब सो जाओ, सीटी आती रहेंगी, सुबह आलू का पराठा मिल जाएगा तुझे, चल जा। तो गाइस इस फोटो को पहचान लेना कौन है, एक तो आपको पता लग रहा होगा, ये बीच वाला बच्चा भी आपको पता लग रहा होगा कौन है, और इधर साइड वाला भी, ये सार्थक तो पता लग रहा है, और ये बताओ ये बीच वाला बच्चा भी पता लग रहा है, ये कौन है ये कमेंट करके बता देना, बिल्कुल ये कमेंट्स करके बता देना कौन है। अब देखते हो किसका गैस अच्छा अच्छा निकलता है, और ये फोटो थंबनेल में लगने वाली है, बड़े टाइम के बाद मिलेगी ये फोटो मुझे। तो गाइस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, काकू फैमिली ब्लॉग का, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक नहीं किया, हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय बाय।